कक्की, ये दूध कैसे गिर गया? अरे वो मेरा जरा सा धक्का लग गया था। कोई बात नहीं, आप बाहर चलिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अगर मैं बाहर निकली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। परी, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम में इतना दिमाग है। जोगिन बाबू आप भी ना, मैं नहीं बताती कि मैंने आगे क्या सोचा है। मानता हूँ कि रोमेश बाबू ने कभी कमला को हाथ नहीं लगाया होगा, मगर बारिन के चेहरे के भाव कुछ और ही दर्शा रहे थे। एक तरफ तो तुम ये शो करती हो कि तुम रोमेश से नफरत करती हो, और दूसरी तरफ ये सब क्या है? तो क्या करूं मैं? रमेश की यादों से जितना भागने की कोशिश करती उसकी यादें मुझे उतना ही सताती है। अरे इतनी सवेरे सवेरे सर ने क्यों बुलाया मेरी समझ में? अरे बाप रे, आज की दिन की शुरुआत ही बेकार हो गई। अबे उमर खान तू अंधा हो गया, अबे तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? अरे यहाँ पोछा लग रहा है, यहाँ बाल्टी रखी, उसके बावजूद भी पोछे में पैर रख के सरक गया तू। क्या कर मेरी बहुत दुख रहा है। पहले पेपर समेट, पेपर समेट, ये रहा पेपर। ये कैसे हो गया सर? अरे स्टैम्प कहाँ चला गया? स्टैम्प? अरे सोफे के नीचे तो नहीं गया? नहीं, अरे कहाँ चला गया? अब क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सर आ रहे हैं। ये क्या है उमाकांत? सर वो पोछा लगा हुआ था ना, तो पैर फिसल गया और गिर गया मैं। ये एक मिनट मकान, ये स्टैम्प? हाँ सर, वो ये स्टैम्प कहाँ से आई? कहीं जोगिन बाबू ने आनंदो सर का स्टैम्प पहचान लिया तो मेरा तो सारा भंडा फूट जाएगा, क्या करूँ? ये तो बाबा की स्टैम्प है, ये तो चैम्बर में होना चाहिए। पता नहीं यहाँ कैसे गिरा था। सर लाइए ना, मैं चैम्बर में रख दूंगा। सर आपने इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया? मैं सोच रहा था मकान कि रोमेश और बारिन के चलते चैम्बर को बंद नहीं करना चाहिए था। मैं समझा नहीं सर। उमाकांत, बाबा के चैम्बर में काफी लोगों को न्याय मिला है, मगर मेरे चैम्बर बंद कर देने से काफी लोगों की फाइल्स और उनके सारे केसेस अधूरे रह जाएंगे। ये तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी ना। मतलब जोगिन बाबू आप चैम्बर फिर से खोलना चाहते हैं? नहीं उमाकांत, मेरा ऐसा कोई चैम्बर खोलने का दोबारा इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम चैम्बर जाओ, वहां से सारी अधूरी फाइल्स बाहर निकालो और उन सब फाइलों को शहर के अच्छे और ईमानदार वकीलों को दे दो। जी, ये लो ये चाबियां, शाम को आते वक्त मुझे वापस दे दे। जी जी सर, ठीक है। ये चाबियां अगर मुझे कली मिल गई होती तो कम से कम मुझे चोरी से चैम्बर में तो नहीं जाना पड़ता। जी जी सर, और सेवा का कोई और मौका हो तो बताइए सर। मैं नहीं हूं मकान, फिलहाल तुम इतना ही कर दो, तुमने किस किस को किस किस की फाइल दी है उसकी मुझे एक लिस्ट बना के दे दो। जी ठीक है सर, चलता हूँ। एक मिनट उमाकांत, ये किस चीज की फाइल है? सर ये अब चैम्बर बंद हो गया तो क्या करता सर, रोजी रोटी की समस्या आ गई थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर ली है, ये वहीं की फाइल है सर। चिंता मत करो उमाकांत, तुम हमारे चैम्बर के सबसे पुराने आदमी हो, तुम काम करो या ना करो मगर तुम्हारी पेमेंट मिलती रहेगी। सर ये एहसान मैं आपका कैसे भूलूंगा सर, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। नहीं उमाकांत, ये एहसान नहीं है, ये तुम्हारा हक है। अच्छा
आज के दिन की शुरुआत इतनी भी बुरी नहीं हुई है। महेश बाबू बड़े जल्दी क्लिनिक जा रहे हैं, कोई बात है क्या? क्या बात है, आप बड़े चुपचाप से लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्लिनिक से फोन आ गया था कि पेशेंट्स थोड़े ज्यादा हैं, इसीलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फटाफट जाकर आलू के पराठे बना के लाती हूँ। मुझे याद है सुशीला ने एक बार कहा था कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है। कमला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, घर में बीवी के रहते हुए आप बाहर खाना खाएंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं, इस बात की परवाह ना ही मुझे कभी रही है और ना ही कभी रहेगी। कमला, मुझे हमेशा अपनों की परवाह रही है और हमेशा हमेशा मेरे अपनों ने ही मुझे तकलीफ पहुंचाई है। ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ, ये कचरा कहां से उठा के ले आए? आनंदो बाबू का लेटर हेड कहां है? मैंने इसी 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 फाइल में लेटर हेड रखा था, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत संभाल के रखा था मैंने। तो आखिर चला कहां गया लेटर हेड? हमेशा मेरे अपनों ने ही मुझे तकलीफ पहुंचाई है। मेरी पत्नी होने के नाते मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करोगी। क्या बात है, महेश बाबू को क्या हो गया है? वो तो कभी ऐसी बातें नहीं करते। जरूर कोई बात है जो उन्हें परेशान किए जा रही है। महेश बाबू मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे भी उनकी परेशानी जानने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर बात क्या है, कैसे पता लगाऊं? ठीक है, महेश बाबू को तो क्लिनिक जाने की बड़ी जल्दी थी, मगर मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। एक काम करती हूँ, दोपहर का खाना बनाकर क्लिनिक ले जाती हूँ, इसी बहाने से खाने भी खा लेंगे और मैं उनकी परेशानी भी जान लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, हमने उमाकांत से कह दिया है, उमाकांत लेटर हेड लेकर आता ही होगा। जी, शाम के 5 बजे से पहले लेटर हेड मुहर आपके पास होगा। इस बार कोई लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ भी हो जाए इस बार रंगराज जी का तबादला होना ही चाहिए। देवी जी प्रणाम। उमाकांत, तुम्हें पता है ना कि आज का दिन हमारे लिए कितना कीमती है? फिर तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? वो देवी जी, ऐसा है ना कि भारिन बाबू का घर रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि उनकी फाइल पहुंचा दूं, उसके बाद आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊं। कहाँ है पेपर? जी ये रहा, आनंदो बाबू का फाइल और स्टैम्प। इस फाइल में आनंद बाबू का लेटर हेड है। ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ, ये कचरा कहां से उठा के ले आए? आनंदो बाबू का लेटर हेड कहां है? मैंने इसी 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 फाइल में लेटर हेड रखा था, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत संभाल के रखा था मैंने। तो आखिर चला कहां गया लेटर हेड? मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने रखा इसी में था। उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई? मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने इसी फाइल में रखी थी लेटर हेड, मैंने बहुत संभाल कर रखा था। अगर शाम 5 बजे तक नोटिस को कोर्ट में नहीं जमा कराया गया तो रंगराज जी का तबादला रुक जाएगा।
और ऐसा हो गया ना तो याद रखना उमाकांत। नहीं देवी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ, इस फाइल में ढूंढता हूँ। मैंने यही रखा था, इसी में रखा था। अगर तुम उसे लाए होते तो इसी में होता। कहाँ चला गया? अरे स्टैम्प कहाँ चला गया? स्टैम्प ये तो सर आ रहे। क्या सोच रहे हो उमाकांत? कहाँ गया पेपर? बरिन के पास। बरिन के पास? मैंने गलती से बारिन के फाइल में वो लेटर हेड रह गया। तुम होश में तो हो? क्या बक रहे हो? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और मैं वो लेटर हेड लेकर आता हूँ। मैं जाता हूँ। ठहरो उमाकांत, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब ऐसा मत बोलिए। ये जगह मेरे लिए मंदिर के समान है और आप मेरे लिए देवी के समान है। आप मुझसे दर्शन का अधिकार मत छीनिए देवी जी। तुमने अगर ये नाटक बंद नहीं किया ना तो इस देवी के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? ये डायरी लो, ये नंबर नोट करो। उन्हें फोन करके उनके बताए हुए पते पर 5 बजे से पहले पहुंच जाना। जी जी देवी जी। तो खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ यहां से। पॉडी, तुम्हारा कक्की के बारे में क्या ख्याल है? हमारी कक्की? आर यू मैड? एक बात बताओ जोगिन, तुम काका का जीवन संवारना चाहते हो या उनके जीवन में आफत लाना चाहते हो? जोगिन, मैं सोच रही हूँ कि मुझे और 2 दिन सोचकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। बॉडी, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है? नहीं जोगिन, अभी मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही हूँ तो नारी निकेतन जाकर क्या करूंगी? मेरी बात मानो, आज ही रहने देते हैं ना, मैं फिर कभी फोन करके बात कर लूंगी। बॉडी, पहले अपने मन और दिमाग को शांत करो, किसी की भी चिंता मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मगर जोगिन। बॉडी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, नारी निकेतन फोन लगाओ। लो, अभी हम टेलीफोन करने की सोच रहे थे, पता नहीं किसका फोन आ गया। गॉडी, फोन उठाओ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? किसका फोन है गॉडी? काका, काका आप कैसे हैं? बाबा कैसे? सब कुछ ठीक है ना वहां पर? ये तो अच्छी बात है। मगर काका, उन लोगों ने आपको बताया कि वो लोग बाबा की ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे? अरे बॉडी, टेलीफोन मुझे दो ना, मुझे काका से जरूरी बात करनी है। एक मिनट काका, ये जोगिन आपसे बात करना चाहता है। क्या? आप बाद में फोन करेंगे? ठीक है काका, आप अपना और बाबा का ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पर ठीक है,
बस आपके और बाबा के ठीक होकर आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है काका जी, मैं फोन रखती हूँ। जोगिन, काका बता रहे थे कि बाबा को एडमिट कर लिया गया है और बाबा की ट्रीटमेंट के लिए कल वो डॉक्टर गुलाटी से मिलने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है बॉडी। अभी देखना, थोड़े दिनों में बाबा हमारे साथ ही बैठे होंगे। लेकिन मैं काका से बहुत नाराज हूँ। क्यों? देखो ना बॉडी, तुमसे इतनी देर तक फोन पे बात की और जब मैंने बात करने को कहा तो फोन कट कर दिया। ये भी कोई बात हुई? ठीक है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मगर कोई सीरियसली नहीं लेगा क्या? अब तो मैं भी समझदार हो गया हूँ। बॉडी, यहाँ मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम हंस रही हो। अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, बच्चों जैसी हरकतें जो कर रहे हो तुम। जोगिन, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब काका को हम दोनों को घर पर अकेला छोड़कर कहीं जाना पड़ गया था? उस वक्त भी तुम इसी तरह से काका से नाराज होकर बैठ गए थे और तब तुमने डिसाइड किया था कि अगले दिन तुम काका को कहीं भी नहीं जाने दोगे। इसी चक्कर में तुमने घर की सारी घड़ी छुपा कर रख दी थी। और समय का सही अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण काका की ट्रेन मिस्ड हो गई थी। हाँ बॉडी, याद है। और काका ने मुझसे 2 दिन तक बात नहीं की थी। तुम्हें पता भी है कि काका उस दिन कहाँ पर जाने वाले थे? नहीं, कहाँ जा रहे थे? हमारे लिए काकी को देखने जाने वाले थे और उस दिन ट्रेन मिस्ड होने की वजह से काकी के घर वालों ने उन्हें इतना डांटा ना कि उसके बाद वो कभी भी लड़की देखने गए ही नहीं। ओह नो बॉडी, इसका मतलब है कि काका अभी तक जो कुंवारे हैं वो मेरी वजह से हैं। ओह गॉड, प्लीज फॉरगिव मी। बॉडी, मुझे नहीं पता था कि घड़ियां छुपा देने से काका की लाइफ ही बदल जाएगी। इट्स ओके, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं काका के लिए काकी ढूंढ लूंगा। मगर किससे? डोंट वरी बॉडी, कोई ना कोई तो नजर में आ ही जाएगी। और वो कौन है? मिल गई चाची बॉडी। कौन? बॉडी, तुम्हारा कक्की के बारे में क्या ख्याल है? हमारी कक्की? आर यू मैड? एक बात बताओ जोगिन, तुम काका का जीवन संवारना चाहते हो या उनके जीवन में आफत लाना चाहते हो? अरे बॉडी, एक बार सोच के तो देखो। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आई नो काका एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। काका के लिए कक्की और तुम्हारे लिए परी की जोड़ी एकदम सही है। बारिन बाबू, अब मैं देवी जी को क्या जवाब दूंगा? बारिन बाबू, आपने अपने घर में ताला नहीं लगाया, उमाकांत के सांसों पर ताला लगा दिया। काका के लिए कक्की और तुम्हारे लिए परी की जोड़ी एकदम सही है। अच्छा है। बॉडी, अब ये परी कहां से बीच में आ गई? मैं काका की भलाई के बारे में सोच रहा हूं और तुम मेरी ही बैंड बजाने में लगी हो। अब एक काम करो, छोड़ो इन सब बातों को, नारी निकेतन फोन लगाओ। ठीक है बाबा, लगाती हूँ फोन। बॉडी, मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द ही रोमेश की यादों से बाहर आ जाओगी। बारिन बाबू, बारिन बाबू, अरे बारिन बाबू,
अरे मारिन बाबू सो गए क्या? अरे आप सो जाओगे तो देवी जी मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगी। अरे मारिन बाबू दरवाजा तो खोलिए। अरे क्यों मेरे जान की मुसीबत बने हुए हो मारिन बाबू? अरे खोलिए मारिन बाबू। मार अगर शाम 5 बजे तक नोटिस को कोर्ट में नहीं जमा कराया गया तो रंगराज जी का तबादला रुक जाएगा, और ऐसा हो गया ना तो याद रखना उमाकांत। मारिन बाबू अब मैं देवी जी को क्या जवाब दूंगा? मारिन बाबू आपने अपने घर में ताला नहीं लगाया, उमाकांत के सांसों पर ताला लगा दिया। दादानी हेम की शादी के लिए जो गहने बनवाए थे इसी कमरे में कहीं रखे होंगे। इस वक्त तो हेम भी नहीं दिखाई दे रही, क्या पता मेरे हाथ कुछ लग जाए। कहाँ होगा? लगता है इस अलमारी में होगा। अब ये क्यों नहीं खुल रही? मिल गई मुझे मेरी किस्मत। वाह वाह। क्यों नहीं खुल रहा? कितना सुंदर हार है, अब ये सब मेरा है। ये तो मैं ही रख लेती हूँ। ये सुंदर कंगन है। कक्की, कक्की क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूं मैं। क्या क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये क्या है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या है ये सब? हेम के शादी के गहने हैं। हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन हेम जी के गहनों के साथ तुम क्या कर रही हो? अब औरतें गहनों के साथ क्या करेगी ये भी मैं तुझे बताऊँ? अरे हेम को तो इन गहनों से वैसे भी लगाव नहीं है, तो मैंने सोचा एक दो में ही रख लेती हूँ। अरे उसे क्या पता चलने वाला है? अरे कक्की, परी तुम दोनों बॉडी के रूम में क्या कर रही हो? वो जोगिन बाबू हेमदी के गहने पड़े थे तो कक्की ने सोचा कि अब इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती हैं? सच मेरा पेट भर गया लेकिन मन अब तक नहीं भरा। अब मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं सच बोल रहा हूं, गॉड प्रॉमिस। और आलू के पराठे तो बेहद अच्छे बने थे। आपको पता है मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। क्या आप रोज मेरे लिए ऐसे आलू के पराठे बना के ला सकती हैं? मैं इस बात का वादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि जिस जिस दिन टिफिन आएगा उसमें आलू का पराठा जरूर रहेगा। मैं समझा नहीं, टिफिन आएगा से आपका क्या मतलब है? ये टिफिन आपने ही लेके आई थी क्या?